नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रितु सेठी है। मैं क्लाउड नाइन हॉस्पिटल गुड़गांव में प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनोकोलॉजिस्ट और ऑरा सुपर स्पेशलिटी गुड़गांव की डायरेक्टर हूँ। आज मैं बात करूँगी मोटापे या फिर ओबेसिटी के बारे में। आजकल लेटेस्ट स्टडीज़ के अनुसार से इंडिया के अंदर ओबेसिटी का इंसिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि हर चार में से एक जो है इंडियन ओबेसिटी का शिकार है। तो सोचिए, जिस बीमारी के बारे में 15 से 20 साल पहले जिसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा कम था, आजकल उसका इंसिडेंस 25-30% हो गया है। तो क्या रीज़न है कि आजकल ओबेसिटी या मोटापे का इंसिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? क्या रीज़न है कि ये एक साइलेंट किलर जो है आजकल एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह हम सबकी लाइफ्स को बहुत ज़्यादा थ्रेटन कर रहा है, हर तरीके से जीवन शैली के अंदर प्रभाव पड़ रहा है मोटापे का? सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी कि एक्चुअली मोटापा आता क्यों है। सपोजिंग आपकी सैलरी जो है 1 लाख रुपीज़ है, आप हर महीने अपने अकाउंट से 60-70,000 विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन 30-40,000 आपके अकाउंट के अंदर हर महीने पड़ा हुआ है। धीरे धीरे करके ये डिपॉजिट बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप हर महीने सिर्फ 60-70,000 विड्रॉ कर रहे हैं, तो जो बाकी का बचा हुआ अमाउंट है कुछ समय के बाद एक साइजेबल अमाउंट की तरह अक्यूमुलेट हो जाता है। यही रीज़न है। इसी तरह से मोटापे के अंदर फैट सेल्स या एनर्जी जितनी आप बॉडी के अंदर रोज़ कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप उसका एक्सपेंडिचर नहीं करते, धीरे धीरे करके बॉडी के अंदर फैट सेल्स अक्यूमुलेट होते जाते हैं और आपका वज़न नॉर्मल की कैटेगरी से लेकर ओवरवेट या ओबीस की तरफ आ जाता है। तो ओवरवेट या ओबीस होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं और इसके बारे में अवेयरनेस सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि ये आजकल एक साइलेंट किलर है, क्योंकि इसके इफ़ेक्ट्स लॉन्ग टर्म इतने ज़्यादा होते हैं और बॉडी के हर ऑर्गन हर एस्पेक्ट के ऊपर मोटापे का बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज़ का इंसिडेंस इंडियंस के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। अगर बॉडी के अंदर शुगर का लेवल ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा, बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा बढ़ती जाती है। धीरे धीरे करके सेल्स इंसुलिन के तरफ एक्टिव नहीं होते या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस आए, बॉडी के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ स्टार्ट हो जाता है। इंडियंस के अंदर आजकल टाइप 2 डायबिटीज़ का इंसिडेंस इसी रीज़न से बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि आपकी आर्टरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल फैट्स हैं, इसलिए आर्टरीज़ के अंदर जो सेल्स हैं उसके अंदर आर्टरीज़ के अंदर जो लाइनिंग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट सेल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, आर्टरीज़ हार्ड हो जाती हैं। एक पाइप की तरह जो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जो प्लायबल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। बीपी बढ़ने की वजह से दिमाग की नस कभी भी फट सकती है, आप स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं, आपको लकवा मार सकता है, आपको पैरालिसिस हो सकता है। हाई बीपी होने की वजह से ब्लड के अंदर क्लॉटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से लेग्स में क्लॉट्स जम सकते हैं। लेग्स में क्लॉट जो है पूरे बॉडी के अंदर कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है, और लंग्स के अंदर या हार्ट के अंदर अगर ये क्लॉट आ गया, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंटरवेंशंस आजकल हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए अगेन कॉमन होते जा रहे हैं। यही नहीं, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम ओबीस लोगों में ज़्यादा पाई गई है। ऑर्थोपेडिशियंस या फिर हड्डी के डॉक्टर बोलते हैं कि सबसे जो है जॉइंट्स के लिए सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा एनिमी जो है नी के लिए, घुटनों के लिए, जॉइंट्स के लिए ओबेसिटी है। आजकल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का इंसिडेंस अगेन ओबेसिटी की वजह से बहुत ज़्यादा ऑन द राइज है। तो जैसे ही किसी पेशेंट का वज़न कंट्रोल में आता है, हो सकता है उसको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत भी ना पड़े। बाकी जॉइंट्स के अंदर पेन रहना, पूरा दिन बहुत ज़्यादा थकान रहना, बहुत ज़्यादा सुस्ती आना, ये भी मोटापे या फिर ओवरवेट होने की वजह से आ सकता है। रात को प्रॉपरली नींद ना आ पाना, जिसको कि हम लोग स्लीप एपनिया बोलते हैं, रात के समय बहुत ज़्यादा स्नोरिंग की प्रॉब्लम, ये सब मोटे लोगों में ज़्यादा पाई गई हैं। पूरा दिन बहुत ज़्यादा थकान रहना, दिन के समय बहुत ज़्यादा नींद आना, ये सब स्लीप एपनिया जो कि मोटापे की वजह से होते हैं ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। यही नहीं, महिलाओं के अंदर PCOD PCOS की प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज़ जो हैं मोटापे की वजह से अगेन ऑन द राइज हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ओबीस पेशेंट अगर कोई कंसीव करना चाहे, पहले से ही उसको अपनी डाइट, लाइफस्टाइल और अपना वज़न को कंट्रोल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये सब प्रॉब्लम्स उसके लिए ना आए।
कंसीव करने की प्रॉब्लम भी जैसे कि मैंने बताया पीसीओडी पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा है जो कि ओबेसिटी से डायरेक्टली लिंक्ड है। ओबीस लोगों को लो सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम रहती है क्योंकि वो पब्लिक में खुद को फेस नहीं कर पाते, उनको एम्बैरेसमेंट होती है अपनी बॉडी शेप से, अपने बॉडी फिगर से, अपने ओवरवेट होने की वजह से। ऐसे लोग डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं और उनमें सुसाइडल टेंडेंसीज भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं अपनी बॉडी इमेज को लेकर। तो फिजिकली ही नहीं, ऐसे पेशेंट्स मेंटली भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं मोटापे ओबेसिटी की वजह से। तो ज़रूरी यह है कि आप अपना वज़न कंट्रोल में करें ताकि इन सब प्रॉब्लम्स का आप शिकार ना हो। ओबीस लोगों के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी, जो पेशेंट 40 साल की उम्र के बाद ओबीस है उसके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स घट जाती है अगर उसका वज़न कंट्रोल में ना आए। तो बहुत ज़रूरी है कि शुरू से ही आप जो है अपने ओबेसिटी या अपने ओवरवेट होने का शुरू से ही ट्रीटमेंट लें ताकि आगे चल के आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा गंभीर ना हो। तो कैसे पता चलता है कि कोई पेशेंट मोटा है, कोई पेशेंट ओबीस है? सबसे इम्पॉर्टेंट ये देखने के लिए पैरामीटर है बॉडी मास इंडेक्स। ये मरीज का वज़न और उसकी हाइट मीटर में दोनों का एक पैरामीटर है जिससे पता चलता है कि कोई पेशेंट ओबीस या ओवरवेट है कि नहीं। अगर किसी का बीएमआई 25 के ऊपर है तो वो ओवरवेट की कैटेगरी में आता है, और अगर किसी का बीएमआई 30 के ऊपर है तो वो ओबीस की कैटेगरी में आता है। ओवरवेट से ओबीस की कैटेगरी में आप मूव ना करें और ओवरवेट से आप नॉर्मल की कैटेगरी में जाएं, इसके लिए शुरू से ही आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा। तो क्या रीज़न है कि आजकल इंडियंस के अंदर ओबेसिटी का इंसिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफस्टाइल। देखिए, आजकल हमारी लाइफस्टाइल के अंदर पैंडेमिक के बाद स्पेशली हम जो है सारा काम बैठे बैठे लैपटॉप पे ऑनलाइन सारा काम कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती, और जो शुगरी ड्रिंक्स, हाई कैलोरी डाइट, अल्कोहल का इंटेक जो पहले 15 या 20 साल पहले बहुत ज़्यादा हाई रेट्स पे मिलता था, आज उन सब का सेवन बहुत ज़्यादा है क्योंकि इन सब के रेट्स बहुत कम हैं। हमारी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स हैं, हमारी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा फैट्स हैं, हम बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स, अल्कोहल का इंटेक कर रहे हैं जिसकी वजह से वज़न बढ़ता जा रहा है और हम मोटापे का शिकार होते जा रहे हैं। एक तो हुआ लाइफस्टाइल, सेकेंडली कई बारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी प्रीडिस्पोज करती है आपको ओबीस होने की वजह से। तो अगर आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं तो वो आपको उपचार भी बताएंगे कि क्या कर सकते हैं ताकि आपका वज़न कंट्रोल के बाहर ना जाए। कुछ ही परसेंटेज के अंदर, अराउंड 3-5% के अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से ओबेसिटी ज़्यादा पाई गई है। तो क्या क्या आप कर सकते हैं ताकि आपको जो है ये साइलेंट किलर ना जकड़ ले, और अगर आप इसका शिकार हो गए हैं क्या क्या आप उपचार कर सकते हैं ताकि आप जल्दी से आपका वेट कंट्रोल में आ जाए और आप फिट रहें? अगेन, जैसे कि मैंने बताया, मोस्ट कॉमन रीज़न इसका लाइफस्टाइल है। तो आप अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस करना शुरू करिए। बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, फैटी फूड्स, हाई कैलोरी डाइट, अल्कोहल का सेवन कम मात्रा में करें। कोशिश ये करें कि अगर आपके वर्क प्लेस या घर के अंदर लिफ्ट है तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल ना करके स्टेयर्स का यूज़ करें। आसपास जाने के लिए वाहन का इस्तेमाल ना करके पैदल चलें। कम से कम 40 से 45 मिनट की मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी हर किसी के लिए रिकमेंडेड है, हफ्ते में कम से कम 5 दिन। तो आप ज़रूर कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें। डाइट के अंदर प्रोसेस्ड फूड, शुगरी चीज़ें, इन सब चीज़ों का कम से कम सेवन करें। हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, सैलेड्स खाएं, पानी खूब पिएं, क्योंकि ये सब चीज़ें खाने से, कच्ची तरल पदार्थ खाने से ही आपके बॉडी के अंदर जो है कैलोरिक इनटेक कम रहेगा और आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहेगा। हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको बताएं कि आपका वज़न अगर इन सब चीज़ों से कंट्रोल नहीं हो रहा तो आपको दवाइयों का सेवन करना पड़े, तो डॉक्टरी सुपरविजन के अनुसार ही आप जाएं और इन सब मेडिसिंस का इस्तेमाल करें इन केस आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं। लास्ट प्रोसीजर होता है ओबेसिटी के ट्रीटमेंट में, बेरियाट्रिक सर्जरी। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर पेट की थैली को जो है काट दिया जाता है ताकि उसकी कैपेसिटी कम हो जाए और मरीज को फुलनेस की सेंसेशन जल्दी आ जाए कम मील लेने के बाद ही। इससे वज़न ड्रास्टिकली फॉल होता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए ही है जिनका बीएमआई 35 के ऊपर है और सब प्रोसीजर्स के बाद भी उनका वेट कम कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो मॉर्बिडली ओबीस पेशेंट्स के लिए
बेरियाट्रिक सर्जरी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और रिकमेंडेड भी है। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है वज़न बढ़ने की वजह से, आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और आप सब स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एवरीबडी।